सुश्रुत ने सर्वगत नेत्र रोग 17 बताए हैं, वाग्भट्ट ने 16 बताया है। 17 में 16 जो है साध्य होते हैं, और इन 16 में 14 जो है वेद्य साध्य होता है, और 2 जो है असंस्कृत होता है, औषध साध्य होता है। अब बकिया 1 जो बचता है वो असाध्य होता है, हतादिमंत। तो 14 जो हैं उसमें 5 वातज हैं, रक्तज 4 हैं, पित्तज 3 हैं, कफज 2 हैं और सन्निपातज 2 हैं। अब इस 14 को ऊपर मैंने श्लोक में लिखा है, साध्य वेद्य अभि अभिषंद अधिमंत अन्यतो वात वात पर्याय सिरा हर सिरोत्पात ससोप अच्छिपाक असोप अच्छिपाक। तो आप अभिषंद माने कंजक्टिवाइटिस के 4 भेद हो जाते हैं, वातज पित्तज कफज रक्तज। अधिमंत माने ग्लोकोमा ग्लूकोमा के भी 4 भेद हो जाते हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज। तो इस तरह ये 8 यही हो गए। अन्य तो वात वात पर्याय, दोनों में वात वात है तो इनके दोष वात हो जाएंगे। सिरा हर सिरोत्पात, तो 8 2 10 ये हो गया। सिरा हर सिरोत्पाद में सिरा में रक्त बहता है, इस नाते ये 2 हो गए, तो 8 2 10 दोबारा हो गए। असोफच्छिपाक असोफच्छिपाक ये जो है आपका सन्निपाता जो हो गए, क्योंकि इसमें क्या है कोरोइड लेयर और जो कोरोइड लेयर सिलियरी बॉडी और आयरिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो चूंकि ये इसमें तीन चीज़ का इन्फ्लेमेशन होता है, कोरोइड लेयर सिलियरी बॉडी आयरिस का, ऐसा है त्रिदोषज हो जाएंगे। ससोपच्छिपाक असोपच्छिपाक ये त्रिदोषज होते हैं। तो इस तरह आपके ये 14 हो गए, तो 14 ये पंक्चरिंग, इसमें पंक्चर किया जाता है, वेद्य साध्य रोग होते हैं। शुष्का अच्छिपाक और अम्ले ध्यूषित असंस्कृत, मतलब ये औषध साध्य हैं। शुष्का अच्छिपाक अम्ल दूषित असंस्कृत है, ये दोनों असंस्कृत हो गए। तो 2 आपके असंस्कृत हो, शुष्क अगर है अच्छिपाक, मतलब पाक से आप कन्फ्यूजन हो सकता है कि पित्तज हैं, लेकिन आपको शुष्क पहले आया तो इसको वातज ही मानेंगे। तो शुष्क अच्छिपाक तो अम्ल दूषित, अम्ल का मतलब पित्त, तो अम्ल जो है पित्तज होता है, तो अम्ल दूषित पित्तज होता है। तो ये 2 असंस्कृत है, मतलब औसत साध्य हैं, और 1 असाध्य हतादिमंत है जो है, जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा या एक्सोऑफ्थैल्मस, जिसमें आई बाल पूरी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो है आई बाल पूरी बाहर आ गई है, तो उसको एक्सोऑफ्थैल्मस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंट्राकुलर ग्लोकोमा में इंट्राकुलर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है आई आर उसमें प्रेशर की वजह से अक्ष जो गोलक होती है आई आर्बिट पूरी बाहर की तरफ निकल जाती है। इसमें असाध्य 1 है हतादिमंत, तो आप जानते हैं असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं की जाती है, तो असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं की जाती है। सर्वगत रोग सुश्रुत ने 17 बताए हैं, और इन श्रुत ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 17 बताई है। अब इसमें से किसी एक का अधिष्ठान पूछ लेगा, किसी 17 रोगों में से किसी का आपसे दोष पूछ लेगा, किसी 17 रोगों के नाम में से किसी का आपका चिकित्सा पूछ लेगा, किसी का साध्यता असाध्यता पूछ लेगा, किसी के इन 17 रोगों में से किसी का लक्षण पूछ लेगा, किसी का मॉडर्न कोरिलेशन पूछ सकता है। जबकि वाग्भट्ट ने सर्वगत नेत्र रोगों की संख्या 16 बताई है, जिसमें से उन्होंने सिराहर सिरोत्पात को नहीं माना है, इसकी जगह अच्छी पाकत्य माना है। भंडा इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें सीधा सीधा ऐसे जान लीजिए साध्य वेद्य, वेद्य माने पंक्चरिंग, तो इसमें पंक्चरिंग जिसमें किया जाता है। वेद्य साध्य सर्वगत नेत्र रोगों की संख्या कितनी है जिसमें पंक्चरिंग किया जाता है, वो 14 है। अभिषंद अधिमंत अन्यतो वात वात पर्याय सिरा हर सिरोत्पात ससोप अच्छिपाक असोप अच्छिपाक, यहाँ तक 14 जो रोग बताए गए हैं, इनमें वेद्य साध्य सर्वगत नेत्र रोग हैं। याद करना बहुत ही आसान है, अगर आप देखें तो साध्य वेद्य अभिषंद अधिमंत, साध्य वेद्य अभिषंद अधिमंत, तो इसमें जो है अभिषंद को क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और अधिमंत को क्या बोलते हैं, ग्लौकोमा बोलते हैं। तो ये दोनों में ये जो दोनों हैं ये 4-4 होते हैं, मतलब अभिषंद और अधिमंत जो है 4-4 होते हैं। तो
तो अभिषंद जो है कितने हो गए, वातज पित्तज कफज रक्तज टाइप के अभिषंद हो गए, और अधिमंथ भी जो है माने ग्लोकोमा के भी चार भेद बताए गए हैं, और अभिषंद जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इसके भी चार भेद बताए गए हैं, वातज पित्तज कफज रक्तज और ग्लोकोमा माने अधिमंथ के भी चार भेद बताए गए हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज। तो इन दोनों इसको याद करने कैसे कहे, साध्य वेद्य अभिषंद अधिमंथ और दो वात के हैं, तो आप उसमें देखिए अन्यतो वात वात पर्याय, ये दो वात के हैं तो छठ दे याद हो जाएंगे, अन्यतो वात वात पर्याय, और सिरा से दो हैं, सिरा हर्ष सिरोत्पात, चूंकि सिरा में रक्त बहता है अतः सिरा हर्ष और सिरोत्पात रक्तज दोषज हो गए। फिर ससोफ अच्छिपाक असोफ अच्छिपाक, तो ये चूंकि इसमें तीन चीज इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कोरॉइड लेयर सिलियरी बॉडी और आयरिस, अतः ये त्रिदोषज हो गए, उप अच्छिपाक अशुष्का अच्छिपाक, तो ये भी आपको याद। उसके बाद अम्ल ध्यूषित है, अम्ल जो है पित्तज होता है तो इसके दोष पित्तज हो जाएंगे, अस्वस्थकृत, तो आपको याद करने में इसको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई कठिनाई इसमें है ही नहीं है। अब आप देखें साध्य वेद्य अभिषंद अधिमंत, इनके चार चार कर दीजिए भेद, माने कंजक्टिवाइटिस और ग्लोकोमा के चार चार भेद कर दीजिए, वातज पित्तज कफज रक्तज, तो ये आठ आपके तो यही हो गए। अब दो वात के कर दीजिए, अन्यतो वात वात पर्याय, तो ये वात के हो गए, अन्यतो वात को ट्राइजेमाइनल न्यूरलजिया बोलते हैं, जिसमें फिफ्थ क्रैनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्राइजेमाइनल क्रैनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये दोनों फिफ्थ क्रैनियल नर्व ट्राइजेमाइनल नर्व के डिसऑर्डर हैं, अन्यतो वात वात पर्याय, तो चूंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट है अतः इनको वातज माना जाएगा, और इनके नाम में चूंकि वात आया ही है अन्यतो वात वात पर्याय, अतः ये वातज होंगे। फिर सिराहर्ष और सिरोत्पात है, तो सिरा में चूंकि रक्त बहता है अतः ये रक्तज हो गया, दो सिरा से है और सिराहर्ष और सिरोत्पात, और सिरा में चूंकि रक्त रक्त बहता है, स्नाते सिराहर्ष और सिरोत्पात रक्तज हो गए। तो सिराहर्ष को क्या बोलते हैं, एक्यूट ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और सिरोत्पात को क्या बोलते हैं, हाइपरिमिया ऑफ कंजक्टाइवा, हाइपरिमिया ऑफ कंजक्टाइवा, जिसमें कंजक्टाइवा की जो वेन्स एवं ब्लड वेसल्स में लाल हो जाती हैं, तो ये दोनों जो है सिराहर सिरोत्पाद जो है क्या हो गए, रक्तज हो गए, क्योंकि वेन में क्या बहता है, रक्त बहता है। अब तीन पाक हैं, ससोफ अच्छिपाक असोफ अच्छिपाक शुष्का अच्छिपाक, तो तीन अच्छिपाक हैं, तो इसमें सीधा सीधा आप ये जान लीजिए कि जो ससोफ अच्छिपाक असोफ अच्छिपाक है, तो एक में तो भाई सोफ होगा इन्फ्लेमेशन होगा, एक में विदाउट इन्फ्लेमेशन होगा, तो दोनों को अच्छिपाक को यूवीआइटिस बोलते हैं, यूवीआइटिस, यूवीआइटिस मतलब कोरोइड लेयर और सिलियरी बॉडी में आयरिस में जो इन्फ्लेमेशन होता है तीनों को, इसको हम कलेक्टिवली टर्म में बोलते हैं यूवीआइटिस। तो इस एक में इन्फ्लेमेशन युक्त होगा और असोफ में विदाउट इन्फ्लेमेशन होगा, और दोनों क्या है, सन्निपातज है। क्यों सन्निपातज है, क्योंकि ये तीन चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको सीधा सन्निपातज मानेंगे, भाई ससोप अच्छिपाक असोप अच्छिपाक में हमारे तीन आई के पार्ट हमारे इन्वॉल्व होते हैं, कोरोइड लेयर, एक सिलेरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, और एक जो है आपका आयरिस में इन्वॉल्व होता है, उसी को इन तीनों में के इन्फ्लेमेशन को यूवीआइटिस बोलते हैं। तो जब तीन के इन्फ्लेमेशन को यूवीआइटिस बोलते हैं, तो तीन इसमें दोष भी आ गए, तो अर्थात तीनों ये जो है दोनों जो है ससोफ असोफ ये जो है क्या हो गए, दोनों यूवीआइटिस हैं, तो ये दोनों ये सन्निपातज होंगे, क्योंकि तीन इसमें भी आ गए, तीन पार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ और तीन इसमें तीन दोष भी आ गए, तो तीन दोष हो गए, तो आप उसको तीन को तीन से कोरिलेट कर सकते हैं, तो सन्निपातज ये भी हो जाएगा, ये भी सन्निपातज हो जाएगा। और शुष्का अच्छिपाक, तो तीन रोगों में पाक शब्द आया है,
एक सशोफाच्छी पाक, एक अशोफाच्छी पाक एवं एक शुष्काच्छी पाक। चूंकि शुष्काच्छी पाक में शुष्क शब्द पाक से पहले आया है और शुष्क वात के कारण होता है, अतः शुष्काच्छी पाक वातज होता है। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, अतः साध्य वेद्य सर्वगत नेत्र रोग 14 हो गए। कहां से कहां तक? साध्य वेद्य अभिषंद अधिमंथ अन्यतो वात वात पर्याय सिरार सिरोत्पात सशोफ अच्छी पाक अशोफ अच्छी पाक, यहां तक जो है 14 जो है साध्य वेद्य सर्वगत नेत्र रोग कहे गए हैं। उसके बाद शुष्का अच्छी पाक अम्ल द्यूषित अशस्त्रकृत, मतलब ये दो रोग जो है शुष्काच्छी पाक और अम्ल द्यूषित अशस्त्रकृत है, मतलब औषध साध्य रोग है। शुष्काच्छी पाक शुष्क किसके होगा? वात से होगा। तो शुष्काच्छी पाक शुष्क जो है वात से होगा, तो इसको जो है आप सीधा जो है अच्छी पाक, और वहां पाक से आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो आप इसमें जान लीजिए एक पाक जो शुष्क होता है वो जो है वातज होता है, वहां पे शुष्क को आपको मतलब अहमियत देनी है। और इसको मॉडर्न में क्या बोलते हैं? आप थैल्मोप्लेजिया बोलते हैं, आप थैल्मोप्लेजिया बोलते हैं। एक अम्ल द्यूषित है, तो अम्ल द्यूषित आप जैसे अम्ल क्या होता है? पित्तज होता है, अम्ल पित्तज होता है, तो वो पित्तज हो गया। हाइपरीमिया ऑफ कंजेक्टाइवा, इसमें भी कंजेक्टाइवा की जो वेन्स होती हैं, जो कंजेक्टाइवा में महीन महीन वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें जो है उसकी वो लाल हो जाती हैं जब, तो वो कंडीशन कंजेक्टाइवा की अम्ल द्यूषित कही जाती है। यही चीज सिरा उत्पाद में होता है, ठीक है। तो अम्ल द्यूषित और सिरोत्पाद में अंतर यही है कि अम्ल द्यूषित, अम्ल जो द्यूषित है वो अम्ल जो कि पित्त से है तो पित्तज है, और सिरोत्पात में वेन में है वो भी हाइपरीमिया ऑफ कंजक्टिवा है, लेकिन उसमें जो है रक्तज है। शुष्काच्छी पाक अम्ल द्यूषित औषध साध्य रोग है, अशस्त्रकृत रोग है, जिन्हें हम अशस्त्रकृत रोग भी कहते हैं। शुष्काच्छी पाक अम्ल द्यूषित अशस्त्रकृत है, और शुरू के जो 14 है वो मैंने बताया क्या है? वो वेद्य साध्य है, मतलब उसमें पंक्चरिंग करते हैं, उसकी चिकित्सा क्या है? पंक्चरिंग है। अशुष्क अच्छी पाक अम्ल द्यूषित अशस्त्रकृत है, इसमें औषध साध्य है। शुष्का अच्छी पाक का जो मॉडर्न में कोरिलेशन अगर देखा जाए तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? आप थैल्मोप्लेजिया, आप थैल्मोप्लेजिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप थैल्मोप्लेजिया। आप थैल्मोप्लेजिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑकुलर मसल्स पेल्सी हो जाती है इसमें, जो कि कंट्रोल करती है मोमेंट ऑफ आई की, इसमें तीन तरह की तीन जो है नर्व होती है। थर्ड जो नर्व होती है ऑकुलोमोटर, और फोर्थ नर्व होती है ट्रोक्लियर, और सिक्स नर्व होती है एब्डुसेंस क्रैनियल नर्व। तीनों नर्व मिलके इसको कंट्रोल करती हैं, किसको? मतलब जो है शुष्काच्छी पाक को। अर्थात मतलब क्या हुआ, ये तीनों नर्व में कहीं अगर गड़बड़ी रहती है, इसी नाते इसमें डिप्लोपिया भी होता है, डिप्लोपिया भी होता है। आप पेशेंट को दो तरह का दिखाई देता है कि कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है ना, डिप्लोपिया हो जाता है, मतलब एक चीज दो चीज के रूप में दिखाई देती है, कोई भी वस्तु हो तो दो दिखाई देगी। तो आप थैल्मोप्लेजिया को शुष्काच्छी पाक कहा जाता है, मॉडर्न में इसका समन्वय उसी से होता है। मसल्स जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को जो सप्लाई देती हैं, तीन क्रैनियल नर्व, थर्ड फोर्थ एवं सिक्स्थ क्रैनियल नर्व, थर्ड ऑकुलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर और सिक्स्थ एब्डुसेंस क्रैनियल नर्व कंट्रोल करती हैं। तीनों नर्व का जब कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है किसी एक नर्व का, इन तीनों नर्व में से तीनों का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है, अगर जो इसमें गड़बड़ी होता है। इस एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को तीन नर्व सप्लाई करती हैं, ऑकुलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्डुसेंस। तो जब इन तीनों की सप्लाई होती है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में, तो मान लीजिए कोई किसी की सप्लाई कम पहुंच रही है, किसी की सप्लाई ज्यादा है, किसी मतलब इरेगुलरिटी है, तो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है इस रोग में।
थैल्मोप्लेजिया में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। प्लेजिया में मतलब वो कंट्रोल नहीं होता है, नर्व का कंट्रोल जो है आंख पर से, आंख के एक्स्ट्राकुलर मसल पर से कम होने लगता है, जिससे क्या होता है इनका कोऑर्डिनेशन जब कम हो जाता है तो आदमी को डिप्लोपिया हो जाता है। डिप्लोपिया मतलब एक चीज दो चीज, एक वस्तु दो वस्तु के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये शुष्का छिपाक अम्लद्यूषित अस्वस्थकृत होते, अम्लद्यूषित को मैंने बताई दिया, हाइपरीमिया ऑफ कंजक्टाइवा, हाइपरीमिया ऑफ कंजक्टाइवा। तो शुष्का छिपाक अम्लद्यूषित ये जो है अस्वस्थकृत होते हैं, और केवल असाध्य जो होता है वो हताधिमंत होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सो ऑप्थेल्मस, जो सेकेंडरी ग्लूकोमा ये होता है। ग्लूकोमा होता क्या है? ग्लूकोमा एक्चुअल में इंट्राकुलर जो प्रेशर होता है, इंट्राकुलर प्रेशर जब जो नॉर्मल जो है हमने लिखा है यहाँ पर सेकंड वाले में लिखा है अधिमंथ में जो ग्लूकोमा होता है, इसमें इंट्राकुलर प्रेशर 11 से 21 mm Hg नॉर्मल होता है। जब इंट्राकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये नर्व को क्या करता है, डैमेज करने लगता है, रेटिना को डैमेज करने लगता है, चारों प्रेशर पड़ने लगेगा। तो वो जो अधिमंथ की वजह से माने ग्लूकोमा की वजह से जब जो है हमारा डैमेज होगा तो उसको क्या बोले, हताधिमंथ, माने अधिमंथ के द्वारा हत किया गया, हत हुआ माने खराब हुआ, अर्थात ग्लूकोमा के कारण जो हत हुआ, तो इसी नाते इसको बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मस। इसमें आंख बिल्कुल बाहर आ जाती है, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो आंख बल्ज करके बाहर आ जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मस की कंडीशन, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। माने सेकेंडरी ग्लूकोमा में हताधिमंत का मतलब सेकेंडरी ग्लूकोमा, इसका मतलब पहले ग्लूकोमा होगा फिर सेकेंडरी ग्लूकोमा, उस ग्लूकोमा के कारण जब पहले धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा तो उसके बाद जो है सेकेंडरी ग्लूकोमा होगा, तो उसमें पूरी आंख बाहर की निकल जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाती है, बल्ज कर जाती है, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मस की कंडीशन। ये वातज होता है हताधिमंत, ये वातज होता है, क्योंकि ये अधिमंत के कारण ही हुआ, ग्लूकोमा के कारण हुआ। ग्लूकोमा के कारण चूंकि नर्व पर प्रेशर पड़ रहा है तो इस वजह से इसमें भी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो नर्व के इन्वॉल्वमेंट में तो ये वातज होगा, प्रेशर पड़ता है उसके वजह से उसको जो है अधिमंत हो जाता है, इसमें व्यक्ति को जो है आंख बाहर आ जाती है और दिखाई देने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ठीक है, वाग्भट ने सर्वगत रोग 16 माने हैं, जिसमें से शिराहर्ष शिरोत्पात को नहीं माना है, शिराहर्ष शिरोत्पात को नहीं माना है, इसकी जगह अच्छिपाकत्य माना है, इसकी जगह पर क्या माना है, अच्छिपाकत्य माना है, और शिराहर्ष और शिरोत्पात को उन्होंने शुक्लगत रोग के अंतर्गत मान लिया है। तो शिराहर्ष और शिरोत्पात को उन्होंने शुक्लगत रोग के अंदर मान लिया है, बाकी सब सुश्रुत के समान ही माना है, तो अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पहले के सात दिव्येद्य अविशंद अधिमंत अन्यतो वात वात पर या तो शुरू में कंजक्टिवाइटिस के चार भेद, ग्लूकोमा अधिमंत के चार भेद, मतलब ग्लूकोमा के चार भेद और कंजक्टिवाइटिस के चार भेद, तो ये तो आप दोनों अविशंद अधिमंत ये चार चार ये हो गए वात पित्त कफ और रक्त के, तो आठ यही हो गए दोनों के। अन्यतो वात वात पर या ये दोनों में वात है तो ये वात वात दोष हो जाएंगे, और शिराहर शिरोत्पाद इसमें रक्तज हो जाएगा क्योंकि शिरा में ब्लड बहता है। सोफ अच्छिपाक असोफ अच्छिपाक तो यूवीआईटिस है, तो यूवीआईटिस में तीन चीज का इन्वॉल्व होता है, इसको आते ये सब निपाता जाए, तीन चीज कौन है, कोरवाइड है, कोरवाइड और सिलेरी बॉडी और आयरिस, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो तीन चीज इन्वॉल्व होता है, तो आप इसको तीन चीज को ये भी मान लीजिए कि जो है तीन त्रिदोषज हो गए, तो आपको ये भी याद हो गया, शुरू के तीन पाक वाले हो गए। अब शुष्क अच्छी पाक में पाक से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो शुष्क से आप वातज लीजिएगा, तो शुष्क अच्छी पाक में क्या है, वातज है, ड्राई किसके कारण होता है, वात के कारण, तो शुष्क अच्छी पाक वातज हो जाएगा। उसका अम्लद्यूषित में आपको जो है आप पित्त लेंगे, अम्ल से पित्त होता है, तो अम्लद्यूषित असंस्कृत
माने ये शुष्क अच्छी पाक अम्ल दूषित यही दो असंस्कृत है, मतलब औसत साध्य है। और शुरू से जो 14 है ये जो है वेद साध्य है, मतलब इसमें पंक्चरिंग किया जाता है। और एक है असाध्य हताधिमंथ, असाध्य हताधिमंथ माने 100 ऑप्थेल्मस, मतलब जिसमें अधिमंथ के कारण इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण जो है अधिमंथ हो जाए, तो इसको सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये जो है आपका असाध्य होता है। तो एक इसमें, तो आप देखें इसमें कुल मिला के आप जो 17 का अगर डिवीजन देखें तो वात में 6 है लेकिन साध्य 5 है, एक असाध्य है हताधिमंत। और तो 5 जो है साध्य है और एक असाध्य है, तो असाध्य वाला हताधिमंत है। उसके बाद आप देखें इसमें तो जो है रक्त 4 है, तो कौन कौन हो गया, सिराहर सिरोत्पात हो गया, ये रक्तज हो गया, और रक्तज 2 इसमें मिल जाएंगे, कंजक्टिवाइटिस अविशंद और अधिमंथ में एक एक मिल जाएंगे, 4 हो गए। फिर पित्तज कौन हो गया, पित्तज में एक अम्ल दूषित हो गया और 2 आपके इसमें मिल जाएंगे, अविशंद और अधिमंथ में एक मिल जाएगा, एक अविशंद में मिल जाएगा। इस प्रकार 3 पित्तज हो जाते हैं। कफज में कफज जो है 2 जो कौन से हैं, अधिमंथ और अविशंद में एक एक कफज मिल जाएंगे, 2 हो जाएगा। सन्निपातज कहाँ से मिलेंगे आपको, तो सन्निपातज सोपच्छी पाक और सोपच्छी पाक, क्योंकि इसमें 3 चीज की जो है इन्फ्लेमेशन होता है, क्वाइड सिलेरी बॉडी और जो है कोरोइड जो लेयर होती है, सिलेरी बॉडी और जो है आयरिस, ये जो है त्रिदोषज होता है। सोपच्छी पाक असोपच्छी पाक, क्योंकि 3 इसमें इन्वॉल्व है, तीनों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसको इस तरह याद रख सकते हैं। और ये 2 जो है ये 2 ससोप असोपच्छी पाक ये सन्निपातज हो जाएंगे। तो और ये शुरू के 14 वेद्य साध्य है, इसमें वेदन करते हैं माने पंक्चरिंग करते हैं। और 2 जो है असंस्कृत है, कौन कौन, शुष्क अच्छी पाक अम्ल दूषित, ये असंस्कृत है, मतलब औषध साध्य है, इसमें ड्रग से साध्य होते हैं। और एक जो है असाध्य है असाध्य हता अधिमंत, ये सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा हो जाएगा।